नेटफ्लिक्स को भारत में बैन किए जाने की मांग रखते हुए यूजर्स ने ट्वीट किया, जहां एक यूजर ने लिखा कि अब बस बहुत हो गया, हम सभी हिंदू के एकजुट होने और बताने का वक्त आ गया है कि कोई हिंदू कोई डोरमेट नहीं है। यदि आप हमारे पैसे चाहते हैं, हमसे सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तो हमारा अपमान करना बंद कर दें। इस मुद्दे ने तब जोर पकड़ा जब हिंदू एक्टिविस्ट और शिवसेना आईटी सेल के सदस्य रमेश सोलंकी ने सेक्रेड गेम्स नाम की वेब सीरीज पर हिंदू और भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रमेश सोलंकी ने आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स के शो सेक्रेड गेम्स, लीला घोल और हसन मिन्हास की द पैट्रियट एक्ट हिंदू और देश की छवि को खराब कर रहे हैं। अभिव्यक्ति के नाम पर नेटफ्लिक्स विश्व में हिंदुओं को भारत की छवि को खराब करने में जुटा हुआ है। हर सीरीज में उनकी यही मंशा देखने को मिली है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि सेक्रेड गेम्स में दिखाया गया है कि दुनिया भर में सभी तरह के अपराधों के लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी हुई हत्याओं के लिए भी हिंदू जिम्मेदार है। इसी के चलते अब नेटफ्लिक्स को भारत में बैन किए जाने की मांग रखते हुए कई यूजर्स ने ट्वीट किए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।